हरे कृष्णा, मैं हूं ज्योत्साचार्य डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी। आप देख रहे हैं लक गुरु कार्यक्रम। लक गुरु कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपसे बात करेंगे कर्क राशि के बारे में कि जो कर्क राशि के जातक हैं उन जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, किस क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी, राजनीतिक स्थिति क्या रहेगी, सामाजिक स्थिति क्या रहेगी, सामाजिक प्रतिष्ठा कैसी रहेगी, हेल्थ और वेल्थ कैसा रहेगा, आज नौकरी के क्षेत्र में आप क्या करने वाले हैं, व्यापार के क्षेत्र में नया क्या करने वाले हैं, आपका जो थिंक टैंक है उस थिंक टैंक के लिए क्या करने वाले, सारी बात आज हम आपको बताएंगे। माता पिता से कैसे रिश्ते रहेंगे, पड़ोसियों से कैसे रिश्ते रहेंगे ये भी बताएंगे, और आपको क्या करना चाहिए ये सब बताएंगे। आपको उपाय क्या करना है, सावधानी क्या बरतनी है, और आपके लिए शुभ अंक क्या होगा, शुभ रंग क्या होगा, ये भी आज हम आपको बताने वाले हैं। यदि आपको मेरा कार्यक्रम पसंद आ रहा हो तो मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। यदि आपके मन में ज्योतिष से संबंधित कोई भी जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है, कोई जानना चाहते हैं, तो आप क्या करें कि इनबॉक्स में जाके अपना नाम लिखिए, जन्मतिथि, जन्म स्थान और जन्म समय, और आप क्या जानना चाहते हैं प्रश्न लिख करके भेजें, ताकि अगले कार्यक्रम में हम आपके प्रश्नों का उत्तर दे सकें। अब आइए हम बात करते हैं कर्क राशि की। तो जो कर्क राशि के जातक हैं, आज का दिन आपके लिए थोड़ा सा मानसिक रूप से अपने को प्रिपेयर नहीं समझेंगे। आज आप कोई भी कार्य करेंगे तो आपको घबराहट होगी, बेचैनी होगी, एकाग्रता का अभाव होगा, तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है। आप जिस आपकी राशि का स्वामी चंद्रमा है, चंद्रमा मन का कारक है, तो कोई भी कार्य करते हैं तो आपका मन थोड़ा सा उद्विग्न हो जाता है, तनाव में होता है, तो आज आपको ना तनाव में होइए ना उद्विग्न होइए, अपने को फोकस करिए और टास्क टारगेट ओरिएंटेड होकर कार्य करिए। फिक्स कर लीजिए कि मुझे आज ये करना ही करना है, तो आप अगर दृढ़ निश्चय होकर करेंगे तो निश्चित रूप से आज आपको सफलता मिलेगी। आर्थिक स्थिति आपकी सशक्त होगी। व्यापारिक रूप से जो भी आपकी सोच है, जो आपकी व्यापारिक योजनाएं हैं, जो आप नए तरह के कार्यक्रम करने की योजना बना रहे हैं, उसमें आज आपको बड़ी सफलता मिलेगी। माली हालत सशक्त होगी। रोग और शत्रु परास्त होंगे। यदि आप मैनेजमेंट, लॉ, फाइनेंस के फील्ड में अगर अध्ययन करना चाहते हैं, विद्या अध्ययन करना चाहते हैं, किसी नए जगह पर देश के बाहर विदेश में जाना चाहते हैं, तो आपकी यात्रा हो सकती है। पढ़ाई लिखाई के लिए आज आपको बड़ी सफलता मिलेगी। आज आपको असाइनमेंट मिल सकता है, जिस कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूशन में आप प्रयास कर रहे हैं, तो उसमें आज आपको सफलता मिलेगी, और आज आप निष्कंटक रूप से उस कार्य को कर सकते हैं जिस कार्य के लिए आप प्रयास कर रहे हैं। यदि आपके मन में जो भी इमेजिनेशन है, जो फर्टाइल आइडिया, अगर उसका 1/1000 भी अगर आप इम्प्लीमेंट कर लेंगे, तो आपका कार्य बल्ले बल्ले हो सकता है। लेकिन आप कार्यों को करने में के बजाय कल पर टालते हैं, आलस्य में बरतते हैं, जब तक आपको न कहे तब तक आप कार्य की शुरुआत नहीं करते, ये आपकी नेगेटिविटी है। तो नेगेटिविटी से अगर आप बचते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। जो आपकी आइडिया है, अगर उसका 1/1000 भी अगर आप इम्प्लीमेंट कर लेंगे, तो आप महान उन्नति कर सकते हैं। तो वह दिन आज है अपनी ऊर्जा को पहचाने और अपने लक्ष्य के प्रति लग करके कार्य करें, आपको बड़ी सफलता मिलेगी। प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, नौकरी मिलेगी, सरकारी नौकरी से भी लाभ मिलेगा। आज आपको आर्थिक स्थिति भी आपकी अच्छी होगी। आज आपको सावधानी क्या बरतनी है, सावधानी ये बरतनी है कि आलस्य का परित्याग करना है और लक्ष्य निर्धारित करके कार्य करना है। उपाय क्या करना है, आज आप भगवान शिव की आराधना करें, गाय को अपने हाथ से दुर्वा खिलावें, गणेश जी को दुर्वा अर्पित करें, और अगर कोई गरीब व्यक्ति है तो उसको दूध या दही या दूध से बनी मिठाई जरूर खिलावें, दान करें, खीर खिलावें, आपके लिए अच्छा रहेगा। या कोई गरीब व्यक्ति है तो उसकी पढ़ाई लिखाई के लिए सोचिए। आपके लिए शुभ अंक है 4 और शुभ रंग है ऑफ व्हाइट। हरे कृष्ण।